ने एक होकर राशन कार्ड नहीं बनाने को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग करी कि अगर हमारा राशन कार्ड ऑनलाइन या नया नहीं बनाया जाएगा तो हम सभी कार्यकर्ता आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। आज राजविहार वार्ड नंबर 58 का राशन कार्ड दिए हुए 3 माह बीत चुके हैं, परंतु बार बार हमारे अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी यहाँ पर लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और टिप्पणी दी जाती है ऑनलाइन हो रहा है, समय लगेगा। राशन कार्ड हमारा अधिकार है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम राजबिहार फेज 3 में घर घर में जाके फॉर्म भरवाए थे और उनकी प्रॉपर फाइल बना के यहाँ पे RSO कार्यालय में जमा करी थी। DSO जी से मिला, RSO से मिला, RSO जी ने उस फाइल को किसी दुकान वाले को वेरीफाई चेकिंग करने के लिए दिया। मेरा ये कहना है कि अगर किसी का आवेदन पत्र भरा जाता है, किसी का आवेदन पत्र भरा जाता है वो ऑफिस में भरना चाहिए, ऑफिस के कर्मचारी द्वारा भरना चाहिए। जिस समय चुनाव होते हैं तो इन लोगों की, अधिकारियों की ड्यूटी वोटर लिस्ट के लिए, वोटर कार्ड बनाने के लिए घर घर दरवाजे में लोग जाते हैं, लेकिन हमारे राशन कार्ड जो हमारा मूल अधिकार है, मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, 5 किलो चना देंगे, ये देंगे, वो देंगे, देंगे कहाँ से? जब राशन कार्ड होगा तब तो दोगे। ये जगजीतपुर नया क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आकर बसे हैं और इसमें हमारे सारे राशन कार्ड सब जगह अब ऑनलाइन हो रहे हैं। और अगर कहीं किसी का राशन कार्ड, आधार कार्ड कहीं पर किसी टैग है तो हम उसको राशन कार्ड नहीं बना के दे पाएंगे, क्योंकि जब तक वहाँ से नाम नहीं कटेगा। तो इस तरह से है। और कुछ जो है नए लोग हैं तो इनके राशन कार्ड के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, इनको सबको चेक कराया जाएगा। अगर किसी का अगर राशन कार्ड इसमें पात्र हैं जो नहीं कहीं पर बने हुए हैं तो उनके सबको राशन कार्ड बना के जल्दी से जल्दी हम दिलवा देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। जिसके बाद जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सभी लोगों के राशन कार्ड जल्द से जल्द बनवाए जाएंगे। APT भारत के लिए नरेश तोमर की रिपोर्ट।